everyone in the class? What is greenhouse gas? किसको कहते हैं greenhouse gas? आप सब blank है, आप ऐसे कर रहे हैं तो पांच में से एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुए ठीक है सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको रटा दूं इफ यू आर थिंकिंग रटा दूं मैं रटा दूंगा बट आप कुछ समझदार हो रटा हुआ कितने दिन तक आपके दिमाग में बैठा रहेगा मैक्सिमम तो मैक्सिमम एक दिन दो दिन सब्जेक्ट भी है पेपर वन में भी छह अलग अलग टॉपिक है कितना रट लोगे एक दिमाग के अंदर तो जहाँ समझ सकते हो उसको थोड़ा समझ कर अप्लाई करो जहाँ रटा हुआ अप्लाई करना है वहाँ उसको अप्लाई करना एनीवन बोलो ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस कहते हैं कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं कौन सी जो ग्रीन हाउस सब्सटेंसेस या गैसेस है जो अर्थ का टेम्परेचर राइज हीटिंग भी करती है एज वेल एज कूलिंग एग्जैक्टली क्लियर है सभी को उसके बाद आईआर रेडिएशन होता है जो अर्थ रिफ्लेक्ट करती है ध्यान से उसको याद रख लेना और जो ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करती है वो कौन सी रेडिएशन में होता है आईआर रेडिएशन के अंदर उसके बाद जिन जिन का डेट हो चुका है हम वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं 16th ऑफ सितंबर ध्यान रखना आपको डेट्स वाले नोट्स दिए थे 16 सितंबर 16th ऑफ सितंबर को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे क्लियर है और जो 2017 में लिख लीजिए जो 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे लिख लीजिए इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है नेक्स्ट लिखिए द थीम ऑफ ओजोन डे 2017 द थीम ऑफ ओजोन डे 2017 वॉज केयरिंग फॉर ऑल लाइफ अंडर द सन ये थीम था 16 सितंबर 2017 को जो वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया गया इस थीम को याद कर लेना माइंड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि जो 2017 में जो वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया उस वर्ल्ड ओजोन डे का थीम क्या था दैट इज केयरिंग फॉर ऑल लाइफ अंडर द सन इज इट क्लियर उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है दैट इज जीडब्ल्यूपी और ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एनीवन क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल गैस कितनी जनरेट कर रही है कंपेयर टू सीओ सर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हीट के कारण जो वो बर्फ है पिघल रही है उसको आप ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग में आई आस्क व्हाट इज जीडब्ल्यूपी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा वाला जाते हैं एनीवन एल्स नहीं ध्यान से समझना एकदम सही बोला हम पोटेंट ग्रीन हाउस किसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उस दिन भी हमने डिस्कस किया था दैट इज मीथेन मीथेन का भी इंपैक्ट ज्यादा है बट उसका रेसिडेंस टाइम क्या है 12 से 14 साल यही रीजन है कि हम उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस नहीं मानते कार्बन डाइऑक्साइड का रेसिडेंस टाइम कितना बताया था 150 साल से 120 साल से 200 साल के आसपास
अब जब हम किसी दूसरी ग्रीन हाउस गैस का कंपैरिजन कर रहे हैं, ध्यान से समझना कि कोई ग्रीन हाउस गैस कितनी स्ट्रॉन्ग या कितनी पोटेंट या कितना उसका ग्रीन हाउस इफेक्ट या इंपैक्ट कॉज होगा, उसमें हम कंपैरिजन करते हैं 1 kg कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। मींस लेट्स इमेजिन अगर मुझे ये कंपैरिजन करना है कि ओजोन का जो ग्रीन हाउस इंपैक्ट है या जो इफेक्ट है वो कितना है, तो मैं किससे कंपैरिजन करूंगा? तो GWP में हम किससे कंपैरिजन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से। नंबर वन, कितना कार्बन डाइऑक्साइड से? 1 kg, 1 kg कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। मींस अभी मैं लिखवा दूंगा, जिसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी ग्रीन हाउस गैस का किसके साथ? 1 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और क्यों कर रहे हैं? ये देखने के लिए कि उस XYZ ग्रीन हाउस गैस का कितना स्ट्रॉन्ग या कितना इंपैक्ट रहेगा एज अ ग्रीन हाउस गैस। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? डेफिनेशन लिख लीजिए। द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और GWP, द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और GWP ऑफ अ ग्रीन हाउस गैस इज अ कंपैरिजन, इज अ कंपैरिजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट of global warming impact between 1 kg of a greenhouse gas and 1 kg of carbon dioxide, 1 kg of a greenhouse gas and 1 kg of carbon dioxide। Clear hai sabhi ko? मुझे ओजोन का देखना है तो ओजोन की क्वांटिटी कितना लूंगा? 1 kg। उसका कंपैरिजन किसके साथ होगा? 1 kg ऑफ CO2। मुझे मीथेन का करना है, 1 kg ऑफ मीथेन कंपेयर विद 1 kg ऑफ CO2। उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इज इट क्लियर? अब ग्रीन हाउस गैसेस में किसी को कोई डाउट है या ग्रीन हाउस इफेक्ट में किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है? एनीवन क्वेश्चन लिखिए। अब आप क्वेश्चंस लिख लीजिए। नंबर वन क्वेश्चन, राइट डाउन असर्शन, असर्शन स्टेटमेंट लिखिए। असर्शन में स्टेटमेंट लिखिए, CFC डिप्लीट ओजोन, CFC डिप्लीट ओजोन। लिख लिया रीजन। These compounds contain chlorine, bromine, 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 and fluorine. These compounds contain chlorine, bromine, or bromine, and fluorine. Be clear? Option A. Both A and R are true. Both A and R are true. And R is the correct explanation of A. And R is the correct explanation of A. Full stop. Option B. Both A and R are true. And R is not the correct explanation of A. Correct explanation of A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. एक सेकेंड, आगे से व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
से सुनना, जिनको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते, जैसे कि ये पूरी सब्जेक्ट में नहीं, पहले आपको ये देखना है कि जो असर्शन में स्टेटमेंट है वो सही है या गलत। दूसरा, अगर सही है तो ऑप्शन ए या बी होगा या सी, और अगर गलत है तो क्या होगा, ऑप्शन डी। दूसरा ये चेक करना है दैट इज रीजन में जो स्टेटमेंट लिखा है वो सही है या गलत, और तीसरा जो रीजन में स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो ऊपर की स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है या नहीं। कर रही है तो ऑप्शन है, नहीं कर रही तो क्या होगा, बी। बीच में से अभी आपने ए पीछे जितेंद्र सी लास्ट ए ठीक है, ध्यान से सुनना, आंसर इज सी। क्लियर? तभी मैंने क्या बार बार बोला जो आपका मोहल्ले थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था कि सर हम चाहते हैं सारे क्वेश्चन सही हो जाएं, तो मैंने आपको क्या बोला, यूज योर ब्रेन एंड मेक योर कंसेप्ट क्लियर। अब ध्यान से समझो व्हाई इट इज सी। क्या लिखा हुआ है, सीएफसी डिप्लीट ओजोन, ये स्टेटमेंट सही है गलत? सही। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, दीज कंपाउंड कंटेन क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन, गलत। इसके अंदर ब्रोमीन नहीं होता, समझ में आया सभी को? सीएफसी के अंदर क्लोरीन फ्लोरीन एंड कार्बन, हेलो कार्बन में देखो ध्यान से, समझ में आया? अब ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो, आप समझे नहीं, वो किसका डेफिनेशन लिखवाए, हेलो कार्बन का। लेसन के ध्यान से सुनो, क्या लिखवाया है, हेलो कार्बन्स आर कंपाउंड दैट हैव क्लोरीन फ्लोरीन एंड ब्रोमीन इन देम, क्या लिखा है, हेलो कार्बन्स। क्लियर है सभी को? उसके बाद मैंने क्या बताया था, सीएफसी एचसीएफसीज कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म्स हेलो